फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, यानी कि हमारी नए डिज़ाइन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत कलर का रोज़ बनाना बताऊंगी। जैसा कि आप देख चुके हैं, मैंने 3 कलर आपको पहले ही दिखाया है और इसे बनाने के लिए मैंने 2 नंबर का ब्रश भी यूज़ किया है। आपको जो सही लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको रोज़ बनाना बताते हैं। सबसे पहले हमें 356 नंबर का पर्पल कलर अप्लाई करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पर्पल कलर का कलर अप्लाई करूंगी। आप देख रहे हैं मैंने अप्लाई कर लिया है। मैंने एक साथ 3 लीफ को अप्लाई किया है, लेकिन आप ऐसा ना करें क्योंकि आप अगर जल्दी नहीं कर पाएंगे तो आपका कलर सूख जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा करके ही अप्लाई करें। आपको अप्लाई करना है एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से, जब आपको लगे एकदम सॉफ्ट हो गया है, पूरा हो गया है, एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है, सारा कलर एक जैसा हो गया है, कहीं छूटा ना हो, बिल्कुल सब अच्छे से कर लेना है। उसके बाद हमको ऊपर की तरफ से वाइट कलर का शेड देना है। याद रहे कि हमारा पेंट बिल्कुल भी सूखने ना पाए, वो ड्राई ना होने पाए, आप बिल्कुल ध्यान में रखें, ड्राई नहीं होना चाहिए। इससे पहले हमें उन 2 कलर का शेड देना है, वाइट कलर एंड वॉलेट कलर का शेड देना है हमें। आप अभी देख सकते हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ। अब बिल्कुल याद रखें कि हमारा पर्पल कलर सूखने ना पाए। अब हम वाइट कलर से ऊपरी हिस्से से आउटलाइन करते हुए शेड देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ, हमें इसी तरह से शेड देना, बिल्कुल हल्के हाथ से शेड देना है और हमें बारीकी से शेड देना है ताकि उसमें फिनिशिंग आए। बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा पेंट यूज़ नहीं करना है। अब हमारा वाइट कलर का शेड पूरा होने वाला है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, वाइट कलर का शेड देने के बाद हमें नीचे से वॉलेट कलर का शेड देना है। अभी आप वो भी देख लेंगे किस तरह से शेड देना है। बिल्कुल इसी तरह से करिए, बिल्कुल इजी है, आप भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान और इजी है और बहुत खूबसूरत भी है। करने के बाद आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत ही रोज है ये। ये हमारा वाइट कलर का शेड हो चुका है। अब हम यूज करेंगे वॉलेट कलर। ये हमारा वॉलेट कलर रहा, आपको ब्लू लग रहा होगा पर ये वॉलेट कलर है। अब हमें नीचे से आउटलाइन करनी है, फिर उसी में से हमें शेड देना है। बहुत ज़्यादा पेंट ना हो, नहीं तो हमारा शेड ज़्यादा डार्क आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं, बहुत ही हल्का कलर लेना है, लगाना है और शेड करना है। आप देख सकते हो, आप इसी तरह से करो, आपका भी बहुत अच्छा और खूबसूरत रोज़ बन जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें बनाना चाहिए, हम बना सकते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, घबरा जाते हैं, मैम नहीं बन रहा है, तो घबराएं बिल्कुल ही नहीं, बनाएं। क्योंकि मुझे भी ऐसा पहले से नहीं आता था, मैं सीखी भी नहीं हूँ, लेकिन खुद से बनाते बनाते मुझको आ गया है।
मैंने कभी कुछ सीखा नहीं है, सब कुछ अपने आप ही बनाते बनाते कोशिश की, सब कुछ अपने आप ही आ गया है। तो आप भी कोशिश करिए, इंशाल्लाह आपको भी आ जाएगा और हमारी तरह आप भी पेंट कर सकते हैं। तो हमें इसी तरह से पेंट करना है, सारी जगह को हमें इसी तरह भरना है। आप देख सकते हैं सारे लिप्स इसी तरह भरने हैं। और हमें, और हमने ग्रीन कलर का लीफ में हमने ग्रीन कलर का यूज़ किया है। ग्रीन कलर और वाइट कलर दो ही कलर से हमने लीफ बनाए हैं। ग्रीन कलर का नंबर आपको मैं बता देती हूँ, 391। 391 ग्रीन कलर हमने यूज़ किया है लीफ के लिए। सारा कलर मैंने इस पेंटिंग में, मैंने सिर्फ 4 कलर यूज़ किए हैं। फ्लावर लीफ सबके लिए इसमें 4 कलर ही यूज़ हुआ है, ज़्यादा कलर नहीं यूज़ हुआ है। और आपको जल्द ही मैं इसकी बेडशीट भी दिखाऊंगी। ये मैंने पिल्लो कवर पेंट किया हुआ है आपको बताने के लिए। बेडशीट बहुत खूबसूरत है, आपको बस जल्द ही मैं बेडशीट भी दिखाऊंगी जो कि बहुत खूबसूरत है, आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सबके कहने पे मैंने आप लोग को बोल के समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करिए। दुआओं में याद रखिए। फिर मिलूंगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।